नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार के कोतवाली पुलिस स्टेशन में स्वामी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में धर्म संवाद के दौरान हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई हुई है। दरअसल यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और इसी दौरान नरसिंहानंद और वसीम रिजवी यहाँ पर हिरासत में ले गए, जिसके बाद उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि उनके ऊपर हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल आरोप है कि हरिद्वार में हुई धर्म सर्जन में धर्मशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह हरिद्वार ने बताया कि वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी को नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जवाहर नगर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर कीछा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलवंत सिंह के लिए वोट मांगे। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए वह लोगों से घर घर जाकर उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के साथ बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता के लिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आप लोगों ने देखी होगी, वो बनाया है मैंने। और एक ये दाल बोलते हैं पथरी के लिए, क्या बोलते हैं इसको, गोहत की दाल, एक वो बना रखी है मैंने। बाकी दाल चावल और वो मेरे दरवाजे पर आए, सुदामा के दरवाजे पर कृष्णा आ गए, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। जब मैं घरों में जाता हूँ तो बहुत खुले दिल से स्वागत करते हुए कहते हैं कि इस बार हमने ठान रखा है बदलाव लेके आएंगे। तो उत्तराखंड अब बदलाव की राजनीति लेके आने वाला है और 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो जिस तरह से दिल्ली में पहली बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, वैसे ही बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। और आगे की प्लानिंग सर क्या है फिर आपके बदलाव के? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ ईमानदारी की राजनीति का काम होगा। यहाँ स्कूल पे वो काम होगा जैसा दिल्ली में हुआ है, अस्पतालों पे वैसा काम होगा जैसा दिल्ली में हुआ है, साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम और साथ में महिलाओं को, हर एक महिला को 1,000 रुपये महिला का भत्ता देने का काम, बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का काम, इन सब पे काम शुरू होगा। आने वाले चुनाव के बीच आजाद समाज पार्टी के रुड़की से प्रत्याशी गुलबहार अली से खास चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। इस दौरान क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। हम अभी रुड़की क्षेत्र में हैं। रुड़की से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार गुलबहार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की तैयारियां हैं इनकी। गुलबहार जी, पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। पत्रकार बोल दो, मैं धन्यवाद करता हूँ। चुनाव शुरू हो चुका है, किस तरह की तैयारियां? हमारी जमीनी तैयारी, हमारे मुद्दे ज़्यादातर सबसे पहला मुद्दा हमारा एकता मिशन, देश में जातिवाद फैलना उसे खत्म करना, शिक्षा, जल भराव लिखी में पहुँचाना और स्वास्थ्य का मामला भी बहुत गरीब है, उन मुद्दों को हम काम। यहाँ से 2002 में बीजेपी के सुरेश चंद्र जैन जी विधायक बने, फिर 2007 में बीजेपी के विधायक बने, 2012 में कांग्रेस के विधायक बने, लेकिन वो कांग्रेस जल्दी ही छोड़कर बीजेपी में चले गए। अभी 2017 में फिर बीजेपी के विधायक प्रदीप बत्रा जी यहाँ से 20 साल में 17 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं। क्या काम करा पाए हो यहाँ पे, क्या यहाँ की जनता उससे संतुष्ट हुई? बीजेपी का मसला तो ये रहा कि जब से रुड़की के स्थापना हुई तब तक बीजेपी के ही अंडर में है और इस बार आप देख भी रहे होंगे कि बीजेपी का बिस्तरा तो इकट्ठा हो ही गया, हर जगह से तो यहाँ से कहा जाए हो ही गया। आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह का सहयोग मिल रहा है लोगों का? संपूर्ण समाज का सहयोग,
पूरे समाज का, हिंदू मुस्लिम हर तरह का, हर समाज का, हर जाति का पूरा सहयोग। किससे मुख्य मुकाबला मान रहे हैं आपका? हमारा मुकाबला किसी से आए फाइट में भी कोई आया हमारे सामने, कोई भी फाइट नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो काम है, इन लोगों के झूठे वादे थे वो पूरे नहीं हुए। बीजेपी आजाद समाज पार्टी जो है कहीं ना कहीं बसपा की बी टीम के ग्रुप में काम कर रही है, क्योंकि दलित वोट जो है वो आजाद समाज पार्टी और बसपा का भाग माना जाता है। भगवानपुर में आजाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट क्यों नहीं करा? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताऊंगा, उनकी विधानसभा में बसपा का कैंडिडेट है अब तक नहीं है। तो क्या बसपा करेगी या कुछ गठबंधन हो चुका है? नहीं, हमारा गठबंधन के मामले में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता दें, लेकिन हम अपनी स्थिति देखकर जितनी स्ट्रॉन्ग स्थिति हमारी है, हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते और पार्टियां कैंडिडेट उतारने पर अभी सोच रही है। लोगों का कहना है, जहाँ तक लोगों से बात हो रही है, कि गुलबहार जी को चुनाव का कोई अनुभव नहीं है, वो एक व्यापारी हैं और चुनाव आज तक नहीं लड़ पाए, तो चुनाव में बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, आपका अनुभव नहीं है, तो इस पे क्या कहना? पहली बात तो मैं किसान का बेटा हूँ, कोई व्यापार मेरा इतना लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है, और चुनाव अनुभव की जरूरत ही नहीं है, सच्चाई की, सच्चाई पर जो आदमी काम कर रहा है उसका अनुभव क्या चल रहा है, उसमें तो सच्चाई के रास्ते पर चलना उसका अनुभव तो है ही, कुछ ना होना भी ना चाहिए, सच्चाई चलने के बाद मंजिल है। क्या इस बार गुलबहार जी रुड़की के विधायक होंगे? आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के रुड़की के प्रत्याशी गुलबहार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता मेरे साथ है और आजाद समाज पार्टी रुड़की में क्या उत्तराखंड में अपना परचम लहराने जा रही है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद रजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। खटीमा कोतवाली क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब चौराहे के पास मेला घाट रोड पर एक दुकान में अवैध निर्माण की सूचना पहुंची। पुलिस से दुकान के अंदर निर्माण करा रही महिला खुद को दुकान की मालकिन बताकर पुलिस से भिड़ गई। वहीं एसीओ खटीमा ने मीडिया को बताया कि दुकान का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हाईकोर्ट से 18 जनवरी तक के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति का ऑर्डर दिया गया है। दूसरा पक्ष उनके द्वारा शिकायत वो कर रहे थे बार बार कि जो है इसमें गलत तरीके से इसमें जो है ये अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं और वो दुकान हमारी है। इनका कोर्ट में भी विवाद चल रहा है, इसमें 18 तारीख तक कोर्ट ने जो है इसमें समय दे रखा है, स्टे है उसमें 18 तारीख तक के लिए, कि उसमें स्पष्ट तौर पर यह है कि 18 तारीख तक जो है यथास्थिति बनाए रखें। तो इस वजह से शिकायत आई कि ये लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ देख करने के लिए और इनको बताने के लिए आए कि आप 18 तारीख तक कोई कार्य नहीं करें, जो न्यायालय का निर्णय हो 18 तारीख के बाद। विधानसभा चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार रुद्रप्रयाग में 1 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। प्रशासन ने मतदान करने के लिए रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा में 361 मतदान केंद्र बनाए हैं। केदारनाथ विधानसभा में 2, रुद्रप्रयाग विधानसभा में 5 नए मतदान स्थल भी बनाए गए हैं। इस बार दोनों विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। करीब 40 बूथ ऐसे हैं जहां पे संभावना हो सकती है कि उनमें से कुछ बूथ पे वोटिंग के दिन जो है बर्फबारी की स्थिति उत्पन्न हो जाए या वोटिंग से पहले बर्फबारी हो चुकी हो। ऐसे में हमारे विभाग हैं उनको बता दिया गया है कि वो अपनी तैयारियां पूरी रखेंगे। सड़क खोलने की बात हो, चाहे वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाएं पहुँचानी हो, जलावनी लकड़ी इत्यादि, और या फिर अगर पोलिंग पार्टीज़ को वहाँ तक लेके जाना है तो आपको बता दूं कि जनपद में DDRF टीम्स गठित हैं और इसके अलावा यात्रा मैनेजमेंट फोर्स भी एक गठित है, तो इन सब चीज़ों के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग जिनको दी जा चुकी है। विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने को लेकर जिलाधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, जनपद पुलिस, फायर, SDRF, PFC जवानों ने कोतवाली रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च निकालकर एरिया डोमिनेशन किया।
8 जनवरी से निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया और MCC लागू है। इसी क्रम में आज फ्लैग मार्च निकाला गया है कि सभी जनता तक, सभी लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए कि MCC लागू है और MCC की गाइडलाइंस का पालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त कोविड के नियम भी जो हैं थोड़े से बदलाव हुए हैं और जो रात्रि कर्फ्यू है वो भी इम्प्लीमेंटेशन में आया है, तो इन सब चीज़ों का पालन किया जाए और धारा 144 जो लागू कर दी गई है जनपद में उसका भी पालन किया जाए। और ITBC की एक कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो आचार संहिता लगी हुई है उसका सभी को जानकारी देना और इसको एंश्योर कराना कि सभी लोग उसका पालन करें। इसके अतिरिक्त जो कोविड की भी गाइडलाइंस आई हैं जिसमें कि ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना, सभी को मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करना है, उन सबको भी प्रमोट किया जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए CO चमोली धन सिंह तोमर और SDM जोशीमठ कुमकुम जोशी के नेतृत्व में पुलिस अर्धसैनिक बलों के जवानों ने जोशीमठ मुख्यालय में धारा 144 के पालन और नगर में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सशस्त्र फ्लैग मार्च निकाला और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस बीच मकर संक्रांति के मौके पर ऋषिकेश में स्नान पर रोक लागू की गई, जिसकी वजह से घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। जहां बाहर से हजारों लोग गंगा में स्नान करने आते थे, आज तीर्थ नगरी में मकर संक्रांति पर घाटों पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। लोग दूर से ही दर्शन कर दान पुण्य कर वापस लौट गए। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण शासन द्वारा त्रिवेणी घाट पर मकर संक्रांति के स्नान को प्रतिबंध किया गया है, जिससे आम जनता से अपील की जा रही है कि वो आज त्रिवेणी घाट पर नहाने की कोशिश न करें और अपने घर पर जाकर पूजा पाठ करें। आज जो है जैसे वो कोविड नियमों का पालन करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश आए थे, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार आज यह था कि भाई त्रिवेणी घाट पर किसी भी प्रकार का स्नान नहीं होगा और बाहर से आने वाले यात्रियों चाहे स्थानीय नागरिक हो उनके लिए जो त्रिवेणी घाट को पूर्णतः जो प्रतिबंधित रखा गया था। अब एक तरह अगर देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे त्यौहार हैं, वो होने भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीमारी जिस तरह फैल रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार को भी सख्ती करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आने वाले समय में जो है हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। माँ भगवती राजराजेश्वरी माँ भगवती दक्षिण काली की डोली जो है मूल स्थान इसका जो है चिन्याली सौट बड़ी थी उत्तरकाशी में है। माँ भगवती यहाँ पर जो है कम से कम 8-9 साल से देहरादून में रहती है। माँ भगवती का दरबार लगता है प्रत्येक रविवार, प्रत्येक शुक्रवार को माता का दरबार लगता है और सभी भक्तजन वहाँ पे अपने कष्ट निवारण के लिए आते हैं। माँ भगवती दक्षिण कालीन का राजराजेश्वरी माँ का दरबार लगता है ईश्वर विहार दीपनगर में, जो कि नारी निकेतन से इसका रूट पड़ता है यूनिवर्सिटी रोड से, और माँ भगवती वहाँ पे प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को माता वहाँ पे अपने दर्शन देती है और सभी भक्तों को कष्टों का निवारण करती है। चमोली के ब्लॉक नारायण बगड़ में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, मोबाइल कनेक्टिविटी, महंगाई आदि के मुद्दे इस समय छाए हुए हैं। वहीं नारायण बगड़ की जनता का कहना है कि नारायण बगड़ की अनदेखी की गई है। इसी को लेकर नारायण बगड़ की जनता से खास बातचीत के हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनित्रा ने इस दौरान क्या कुछ जनता का कहना है वो भी सुनिए। है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसका बिगुल जो है बज चुका है। आज हम थराली विधानसभा में हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि हम उन्हीं से जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 वर्षों में क्या विधानसभा थराली में जो विकास हुई और जहाँ पर जो बारी बारी से भाजपा कांग्रेस के जो पार्टियों ने यहाँ पे जो सत्ता में काबिज रहे हैं उन दोनों दलों ने यहाँ पे किस ढंग का विकास किया, तो हमारे साथ है यहाँ के जो स्थानीय। देखिए मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं तो निश्चित रूप से मेरा सरकार ने पिछले 5 सालों में जो हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का एक ईंट तक नहीं लगाई है और खाली यह सरकार मंचों पर बड़े बड़े दावे करते हैं तो धरातल पे इस सरकार की एक भी योजनाएं मुझे नहीं लगता है कि धरातल पे अमल हुई है। और ये जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय आप थराली विधानसभा में, ये जो विधानसभा है भौगोलिक परिस्थितियों के रूप में हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और जो गांव की तमाम गांव की समस्याएं हैं, सड़क मूल रूप से सड़क समस्या है, शिक्षा यहां की समस्या है और स्वास्थ्य
जिसके लिए यहाँ से लोगों को लगभग 300 किलोमीटर दूर जा करके के स्वास्थ्य का लाभ लेना पड़ता है, जो हमारे यहाँ की सबसे मूल समस्या है। और हम यह चाहेंगे कि इस सरकार ने, मैं समझता हूँ, तमाम वादे किए थे हम शिक्षा के क्षेत्र में ये करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में इस सरकार द्वारा किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। के वर्तमान में सरकार के द्वारा कुछ भी जनता के लिए विकास के कार्य नहीं किए गए। हमारे साथ दूसरे स्थानीय व्यक्ति हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत में प्रतिनिधि भी हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि वर्तमान में सरकार ने पंचायतों के लिए काफ़ी घोषणाएं की और पंचायत प्रतिनिधियों को जो कोरोना वॉरियर्स घोषित करने के बाद जो 10,000 के प्रोत्साहन राशि देने का भी जो घोषणा की थी, तो हम ये कुल मिलाकर के आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा के अंतर्गत और सरकार जो जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो सरकार ने इन 5 वर्षों में काम किए हैं, तो घोषणाएं तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन काम उसके आधार पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। धरातल पे चाहे वो रोडों से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हो, जैसे वर्तमान में धामी सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देने की जो मांग की गई थी कि भाई तुरंत ग्राम प्रधानों को दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने इससे पहले हमारे जो तमाम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी है उनको तुरंत DBT के माध्यम से 10,000 रुपये हस्तांतरित किए गए थे, वही उन्हें ग्राम प्रधानों को कराना था, लेकिन अंत में वो कर नहीं पाए, खाली वो उनकी घोषणा बन के रह गई। और जो शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि जो NCERT की जो शिक्षा नीति है सरकार की, तो कई बार मुझे देख, मैं खुद एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो सारे जो शिक्षा में जो तमाम नए जो शोध किए जा रहे हैं उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा की गुणवत्ता में उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आजकल इस कोरोना काल में तमाम बच्चे विद्यालयों में जाने से वंचित रहे, और डिजिटल इंडिया की जहाँ तक बात की गई, तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से गांव डिजिटल इंडिया से जुड़ते हैं लोगों से, और बहुत अच्छी वहां पे वार्तालाप होती है उनकी तमाम जनप्रतिनिधियों से, लेकिन अगर बात एक तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की जाए, तो वहां पे भी विद्यालयों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ा गया, वर्चुअल क्लासों के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन वहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत समस्या रही। तमाम जो बच्चे थे, नौनिहाल थे, वो उस शिक्षा से वंचित रहे। जो सरकार की एक व्यवस्था बनी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और रही स्वास्थ्य की बात, तो मैं नारायणबगड़ की ही बात करूँ, तो नारायणबगड़ का जो प्राथमिक वो स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आज भी जस का तस है। कई तमाम यहाँ से ब्लॉक प्रमुख थे, यहाँ के जो हमारे स्वर्गीय श्री मगनलाल शाह जी थे, वो इसी ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे कभी, और उनकी ही मांग थी कि हम इस अस्पताल का उच्चीकरण करेंगे, और आज वही विधायक बने, और उसके बाद उनके स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुनि देवी शाह जी यहाँ पे विधायक रही, तो वो भी इस हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। एकमात्र उनके द्वारा जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक केवल महाविद्यालय का जो उन्होंने निर्माण कराया, वो काफ़ी काबिले तारीफ है कि ऐसा नहीं कर सके हम कि किसी एक पार्टी का जो काम किया है उसको भी हम दरकिनार नहीं करते हैं। कुछ किए गए उनके द्वारा, लेकिन जैसे ये रोडों में जो काम चल रहा है तमाम, तो बिल्कुल सही नहीं, गुणवत्तापूर्वक कहीं भी काम नहीं हुआ, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे वो NTPC का हो, चाहे किसी भी निर्माणाधीन जो भी कंपनियां हैं, सबके द्वारा गुणवत्ता में बहुत कमियां दिखाई देती है, चाहे पुल हो, चाहे ये कोई भी सरकारी भवन हो, तो निर्माण में गुणवत्ता का निम्न स्तर दिखाई देता है, जो कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। रोड का काम चल रहा है और रोड की हालत कैसी बनी हुई है, जस की तस है। जो रोड 5 साल पहले थी, वो रोड आज भी वही दिखाई दे रही है। तो हमारी दूसरी जो 2022 का जो ये चुनाव का बिगुल बज चुका है, चाहे हमें नहीं पता कि प्रतिनिधि कौन हो, क्या हो या कैसा हो, किस पार्टी का हो, बस जो अपने क्षेत्र के लिए, जिसकी एक धारणा हो कि क्षेत्र के लिए हमें क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विकास करना है, प्रत्येक हमें ये नहीं कि उत्तराखंड का विकास चाहिए, हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। अगर प्रत्येक 70 विधायक अपनी अपनी विधानसभा का ऐसे ही अपनी विधानसभाओं को देखते हुए विकास करें, तो निश्चित है कि पूरे उत्तराखंड का भी विकास संभव हो पाएगा। हम और क्षेत्रों की बात नहीं करते और विधानसभाओं की बात नहीं करते। अगर हमारी मुनि देवी शाह हो या डॉक्टर जीत राम हो या आपके एक नवनिर्वाचित आप पार्टी के गुड्डू लाल हो, सर एक अभी भी जो जितने भी सड़कें छूटी हुई है, और विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने 11,000 किलोमीटर सड़क बनाई, मुझे नहीं लगता है उन्होंने केवल 11 मीटर सड़क अपने घर जाने के लिए बनाई है, और जनता को भ्रमित करने के लिए 11,000 किलोमीटर सड़क का बहाना बनाते हुए आगे घूमने रात किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पे सब लोगों में रोष है, और जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, और इस समय जो है भाजपा की सरकार ना करके कांग्रेस की सरकार
आने के लिए जनता ने अपना मन बना चुका है, क्योंकि कांग्रेस की विधायक जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन किस ढंग का हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे सड़कों के लिए यहाँ पे तमाम दर्जनों गांव के दर्जनों क्षेत्रों के लोगों ने अभी चुनाव का जो मतदान का बहिष्कार किया है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो सामने आकर के दिखी कि अभी जनता ने लगातार जो यहाँ पे पूरे जो विधानसभा क्षेत्र में है सड़कों के लिए लोग जहाँ लगातार चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जहाँ सरकार अपने दावे और खूब वादे करती है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन जनता आज भी मजबूर है चुनाव बहिष्कार करने के लिए। तो आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं दूरस्थ क्षेत्र जो मेरा ग्राम पंचायत इड़ा है, वहाँ के जो लगता हुआ गांव ग्राम पंचायत नाखोली है, वहाँ पर एक रोड की स्वीकृति होनी थी। ग्राम पंचायत वासियों ने माननीय विधायक जी से मांग की थी रोड की, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, हमारी विधायिका का इस तरीके का बयान आता है कि अगर स्थानीय लोग माननीय विधायक जी को कहते हैं कि माननीय विधायक जी आप हमारी रोड स्वीकृत कीजिए, आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ग्राम पंचायत वासियों को कहती है कि आपके पास जमीन नहीं है। क्या रोड लाने के लिए ग्राम पंचायत वासियों के जमीन देनी है, जबकि सरकारों के पास तमाम प्रकार की संसाधनों को अर्जित करने के लिए गवर्नमेंट को लोग जनता सरकार को चुनती है। दूसरी बात, हमारे माननीय विधायक जी ने तमाम यहाँ क्षेत्रों में कहा था कि हम जो हमारे हॉस्पिटल पड़े हुए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई अल्ट्रासाउंड मशीन देने की बात कही थी, लेकिन आज तक हमारे किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे थराली लगा लीजिए आप, नारायण बगड़ लगा लीजिए, दीवार लगा लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं पहुँची। आप देखिए, वर्तमान में ही कल का ही एक मामला है, आप सरकार हमारी पहाड़ की जनता, इन जो हमारे प्रतिनिधि हैं इस तरीके के जो पहाड़ के विकास की बात नहीं करते, उनको इस समय बाहर भेजने का काम करेंगी, मैं यही मेरा विश्वास है। कालादुंगी के कोटाबाग ब्लॉक में बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने अपने उत्पादों की लॉन्चिंग की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के सापेक्ष बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की गई है। बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष नवीन जोशी ने बताया कि भारत सरकार और नाबार्ड के सहयोग से संस्थान निरंतर प्रगति पर अग्रसर है। ये उन 10,000 एफपीओ में से है जिसकी जिगर बार बार आप नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके मुंह से सुन रहे हो, और ये उत्तराखंड की हमारी नाबार्ड की पहली एफपीओ है जिसको 13 जुलाई को हमने यहाँ पर उसके स्थापना की थी, और इस समय आज हमारे पास 12 बोर्ड मेंबर और 8 प्रमोटर और 442 फार्मर जुड़ चुके हैं। इसमें 428 फार्मरों की जो हमने इक्विटी भेजी थी ग्रांट होने के लिए वो भी आ चुकी है। हमारे पास ऑफिस खर्चे के लिए जो 3 साल का एक बजट था उसकी पहली इंस्टॉलमेंट का काम चल रहा है, वो भी आ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे फार्मरों में जो खाद बीज के लाइसेंस है वो मिल चुका है, उसका आउटलेट हम देवीरामपुर में मेहरामपुर में महेंद्र चौधरी जी के वहाँ पर खोलने जा रहे हैं। और हमें प्रशिक्षण में हमने 3 गांव में ट्रेनिंग करवाई थी अपनी महिलाओं को खाद्य प्रशिक्षण में, जिसमें हमने अपने कुछ 20-22 आइटम बनाए हैं, जिसमें से आज 14 आइटम आप लॉन्च होते हुए देख भी रहे हैं। और इन्हीं प्रोडक्टों को या हमारे फार्मरों की मेहनत देख के कुछ और लोगों ने भी हमें अनुबंध किया है, हम इसमें कुछ जैविक में भी काम करना चाह रहे हैं। हमारे पास आंवला, अदरक, इस तरह की दुर्लभ जो औषधियाँ गुण फल हैं वो हैं, जड़ी बूटियाँ हैं हमारे वहाँ एक शॉर्ट मतलब, हाँ, इन सब चीज़ों को हमने अपने कंपनी में प्रोसेसिंग करके मार्केट में इनकी निर्धारित मूल्य के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से IFSI हमारी आ चुक्की है। और आज हमारा मकर संक्रांति के दिन इसका हमने अपने कोटाबाग में ही निकटतम सेंटर में इसको लॉन्च कर दिया है। धन्यवाद। सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को जो प्रमोशन का कार्यक्रम उन्होंने तय किया, उसके अंदर नाबार्ड के द्वारा ये कोटाबाग के ब्लॉक में नैनीताल ज़िले में ये बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है। इस कंपनी में 442 मेंबर आज तक हैं और 442,000 रुपये लोगों ने इकट्ठा किया है और 442,000 लोगों को इक्विटी मिली हुई है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बुरांश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के प्रांगण में
आज 14 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं कंपनी के द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण कराने के बाद तैयार किए गए हैं, जिसमें आंवला जूस, आपका आंवला कैंडी, आंवला के 5 प्रोडक्ट, आंवला चूर्ण, आंवला का कैंडी, एक खट्टी एक मीठी, और अदरक के 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं, मिर्ची का अचार लॉन्च किया गया है, मड़ुआ का आटा लॉन्च किया, मल्टीग्रेन आटा लॉन्च किया गया है। और ये कंपनी अभी पूरे कोटाबाग के करीब 1000 फार्मर्स को जोड़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी दुगनी होगी और उन्हें घर पर ही रोजगार मिलेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए। और यह है एफपीओ लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपना शुभारंभ कर चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।